हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है सौरभ कुमार राउत और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द राउत क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के सहारे या हेल्प से 11th और 12th क्लास के अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स की जो बेसिक लेसन्स होती है मैं उस पर डिस्कस करने वाला हूँ। और जैसा कि अभी डीपी वैकेशन के बाद जो होता है ऑलमोस्ट सारे स्कूल्स में या कॉलेजेस में जो क्लास 12 की जो कंपनीज अकाउंट्स होती है वो स्टार्ट होने वाली होती है, और इसको पॉइंट मीन्स माइंड में रख करके मैंने कंपनीज अकाउंट से ही अपने मीन्स वीडियोज को या फिर मेरी लेक्चर्स को स्टार्ट करना उचित समझा। सो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं कंपनीज अकाउंट्स के बारे में, और सबसे पहले जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगी बेसिक थ्योरी पार्ट्स रिलेटेड टू कंपनीज अकाउंट्स। पहले आता है कंपनी का डेफिनेशन। सर, कंपनीज हम लोग कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग कंपनीज कहेंगे और किन को नहीं कहेंगे, ये हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आइज होता है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो सबसे पहले जो डेफिनेशन होता है वो कंपनी का ये होता है कि सर एन ऑर्गेनाइजेशन इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 इट इज नॉन एज कंपनी। मतलब कि कंपनीज वो ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं जो कि कंपनीज एक्ट 2013 से रजिस्टर्ड हो। मतलब इनकॉर्पोरेशन का मतलब ही होता है रजिस्टर्ड होना। और अभी जैसा कि रिवाइज्ड एक्ट आया है कंपनीज का जिसको हम लोग कंपनीज एक्ट 2013 के नाम से जानते हैं, या ये कह सकते हैं सर इट इज द रिवाइज्ड एक्ट ऑफ कंपनीज अंडर विच एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज रजिस्टर्ड इज नॉन एज अ कंपनी। तो टाइप्स ऑफ कंपनी की फिर हम लोग बात करते हैं सर, टाइप्स ऑफ कंपनीज क्या होती हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पर्संस इन्वॉल्वड कंपनीज हैव बीन कैटेगराइज्ड अंडर दीज थ्री, एंड द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ कंपनी इज कॉल्ड वन पर्सन कंपनी एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट। जैसा कि नाम खुद बोल रहा है चीख चीख के कि सर वन पर्सन कंपनी में क्या होते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडिविजुअल मेंबर होते हैं जिनको सारा रिस्क और रिवॉर्ड को शेयर करना होता है, हर एक तरह की मैनेजरियल एक्टिविटीज के लिए यही रेस्पॉन्सिबल होते हैं, अकाउंटेबल भी यही होते हैं और रेस्पॉन्सिबल भी यही होते हैं। सो प्राइवेट कंपनी क्या होती है सर, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जो कि वन पर्सन कंपनी से सिर्फ एक ही बिहाफ में या रेस्पेक्ट में डिफरेंट है, वो ये है कि नंबर ऑफ पर्सन जो प्राइवेट कंपनी के पास में होती है वो होती है मोर देन वन। मतलब अनलाइक वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी के पास में एटलीस्ट टू मेंबर्स होने चाहिए। और जैसा कि कंपनी एक्ट 2013 जो प्रोविजन बनाती है प्राइवेट कंपनी के लिए वो ये होती है कि सर ये मैक्सिमम नंबर जो होगा इनके पास में नंबर ऑफ मेंबर्स वो होगा सिर्फ और सिर्फ 200। और फिर आता है आपका पब्लिक कंपनी। सर पब्लिक कंपनी क्या होती है, सर पब्लिक कंपनी जो होता है वो प्राइवेट कंपनी का सब्सिडियरी कहलाता है, या ये कह सकते हैं सर दे आर द हेल्पिंग हैंड्स ऑफ द प्राइवेट कंपनीज। चूंकि हमारी जो इकोनॉमी है इंडिया की जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी में आती है, और इसमें क्या होते हैं प्राइवेट और पब्लिक एंटरप्रेन्योर दोनों ही मिलकर के हमारी इकोनॉमी को स्टेबल करते हैं। सो पब्लिक कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिसको प्राइवेट कंपनी का सब्सिडियरी भी कहा जाता है, और ये प्राइवेट कंपनी से या वन पर्सन कंपनी से इस बिहाफ में डिफरेंट होते हैं कि पब्लिक कंपनी के पास में जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं वो होते हैं मिनिमम नंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स इज 7 एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 4, अ पब्लिक कंपनी इज इनफिनाइट। सर कुछ और भी ऐसी पॉइंट्स होती हैं जो कि कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट होता है बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में कुछ जो डिफरेंस और अपार्ट फ्रॉम द नंबर ऑफ मेंबर्स ये होता है कि प्राइवेट कंपनी के पास में क्या होता है कि सर ये राइट नहीं होता है कि वो अपने शेयर को दूसरे के नाम पे वो रजिस्टर करवा दें या उसको ट्रांसफर करवा लें, या पब्लिकली वो जाकर के अपने शेयर को बेच भी नहीं सकते हैं। और जो पब्लिक कंपनीज होती है उनके पास में यही प्रिविलेज होता है कि सर पब्लिक में जाकर के दे कैन आस्क फॉर द ट्रांसफर ऑफ द शेयर वर्क फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू द इंडिविजुअल टू द नेम ऑफ द अदर इंडिविजुअल, और ये अपने राइट्स ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे की, ये पब्लिक में जाकर के इश्यू करने के लिए ऑफर भी कर सकते हैं। जहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया है वो थी टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में, और आगे आती है सर शेयर। अभी मैं ऊपर में बोल रहा था कि वो सर पब्लिक कंपनी जो प्राइवेट कंपनी जो ये होते हैं वो जिनके पास में प्रिविलेज नहीं होता अपने शेयर को दूसरे के नाम पे ट्रांसफर करवा देने के, लेकिन
पब्लिक कंपनी के पास में ही होती है। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि शेयर क्या होता है, शेयर होल्डर्स क्या होते हैं और शेयर को इश्यू कैसे किया जाता है, टाइप्स ऑफ शेयर क्या होती है। मैं एवरीथिंग में हर एक चीज़ को मैं डिस्कस करने वाला हूँ अपने नेक्स्ट वीडियोज में। सो आप इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अगर किसी तरह की आपको प्रॉब्लम सफ़र करनी पड़ रही है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी सकते हैं लिख करके, मैं आपका आंसर कमेंट सेक्शन में भी दे सकता हूँ। यानी तो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो हो जाएगी उसमें मैं लास्ट में आपके प्रॉब्लम का या क्वेश्चन का जो है क्वेरी जो आपकी होंगी उसकी मैं सोल्यूशन वहाँ पर दूंगा। थैंक यू।